Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss passenger car unit, which is lecture 5, part 6. So, before beginning, this is all about me. I'm here to guide you for the competitive exam. So, let's begin our lecture. So abhi ट्रैफिक करेक्टरिस्टिक के बारे में काफ़ी कुछ देखा ट्रैफिक के बारे में काफ़ी कुछ देखा और अब हम ट्रैफिक करेक्ट्रिस्टिक में डेंसिटी स्पीड और फ्लो को भी समझ चुके हैं तो अब बात आती है पैसेंजर कार यूनिट की तो ये पैसेंजर कार यूनिट क्या है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका रियल लाइफ में सिग्निफिकेंस क्या है वो हम अच्छे से देखेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में तो ये देखा जाए कि सबसे पहले पैसेंजर कार की ज़रूरत क्या थी अब आपको यहाँ पे लेफ़्ट में एक पिक दिख रही होगी इसमें देखो ट्रैफिक की जब भी हम बात करते हैं तो आप भी जानते हो रोड के अंदर बहुत तरह के व्हीकल्स हो गए टू व्हीलर चल सकता है ऑटो रिक्शा चल सकता है एक पैसेंजर कार चल सकती है यानी कि एक नॉर्मल कार साथ में एक एस जो कार से थोड़ी बड़ी हो गई साथ में कमर्शियल व्हीकल्स चल सकते हैं बसेस चल सकती हैं और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स जैसे मिनी बस टाइप और वैन टाइप ये सब चीज़ें चल सकती हैं जब अपन क्यू की बात करते हैं अपन बार बार बोलते हैं नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आर पर यूनिट लेन आखिर ये व्हीकल्स क्या हैं किसको व्हीकल गिनूं? एक व्हीकल को एक गिन लूं? या फिर डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स को डिफरेंट वे में गिनूं? क्योंकि जब आप एक रोड के ऊपर खड़े हो और आपने कहा मैं इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर से जाने वाले सॉरी इस पर्टिकुलर लाइन से ऊपर ये तो आप खड़े हो ना क्यों तो अपन देखेंगे तो ये आप खड़े हो आपने कहा मैं इस पर्टिकुलर लाइन पर ध्यान रखूंगा नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट चेक करूंगा आपने कहा इस रोड के ऊपर सपोज करो सिर्फ ट्रक्स होते तो आपने ट्रक का क्यू टी निकाल लिया अब बाद में सिर्फ कार्स होती तो आपने क्यू सी निकाल लिया और सिर्फ टू व्हीलर होगा तो टू व्हीलर निकाल लिया तो वह क्या है जब आप इन तीनों को कंपेयर करोगे ना फॉर द सेम रोड ये आपको तीनों अलग अलग मिलेंगे यही समस्या हमारे साथ हो रही थी यानी कि ट्रैफिक इंजीनियर्स के साथ हो रही थी करे तो करे कैसे क्योंकि हर एक व्हीकल अलग तरीके से परफॉर्म कर रहा है टू व्हीलर जो है उसके पास मनूवर्स की ज़्यादा स्पेसिंग है छोटे एरिया में जल्दी घूम फिर सकता निकल जाएगा कार्स थोड़ा कम मनूवर करेंगी ऑटो रिक्शा मनोवर तो कर सकता है पर उसमें स्पीड ज़्यादा नहीं है कार में स्पीड ज़्यादा है अगर खाली मिलता है तो कार ज़्यादा स्पीड से निकलेगी एज़ कम्पेयर टू ऑटो रिक्शा और जो ये कमर्शल व्हीकल्स हैं बसेज़ और वगैरह बड़ी वैन्स वगैरह इनके अंदर तो स्पीड भी धीरे हो जाती है रोड के ऊपर रखनी पड़ती है अर्बनाइज पार्ट के अंदर और साथ साथ में अगर ये ट्रैफिक में चलती तो आसपास इनके आसपास जो ट्रैफिक है वो थोड़ा स्लो हो जाता है तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्यू को इफ़ेक्ट कर रही हैं तो इंजीनियर्स ने क्या सोचा यार एक काम करते हैं अपन को तो बचपन से एक ही चीज़ पढ़ाई गई है वाई इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स यही समझ में आता है यही चलता है तो अपन क्या करते हैं सबको एक ही चीज़ के अंदर एक ही पैरामीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर जितनी भी सारी की सारे व्हीकल्स हैं इनको वन सिर्फ एक पर्टिकुलर व्हीकल के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है जिसे हम कहते हैं पैसेंजर कार यानी कि लेदे के बात यह है कि पैसेंजर कार को हम मान रहे हैं वन यूनिट और इसके रेस्पेक्ट में बाकी सब कुछ को कन्वर्ट कर लेंगे और हमारी जो Q है हमारा जो V है K है निकाल लेंगे और हमारे लिए एनालिसिस क्या हो जाएगी आसान हो जाएगी ठीक है सो so बात ले दे क्या आ कन्वर्टिंग ऑल हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ ट्रैफिक इनटू वन स्टैंडर्ड ट्रैफिक यूनिट दैट इज़ पैसेंजर कार ओनली ठीक है सर आ गए अब इसको थोड़ा समझाया जाए तो मजा आएगा अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये आपको पिक दिख रही है <coughs> इस पिक के अंदर एक बस जा रही है इन पर सबसे पहले इन बसों को टारगेट करते हैं ठीक है इन बसेस को हमने हटा के मैंने यहाँ पे ये यह बस की जगह ये ब्लैक ब्लैक कर दिया यहाँ पे और इसकी जगह एक ये बस थी इसके आगे एक छोटा सा लाइट कमर्शियल व्हीकल दिख रहा था तो मैंने इसकी जगह फोर पॉइंट फाइव लिख दिया थ्री लिख दिया इस बस की जगह फोर पॉइंट फाइव लिख दिया और इसकी जगह लिख दिया फोर पॉइंट फाइव अभी मेरे को ये दिख रहा था तो मैंने ये इसको रिप्लेस कर दिया मतलब इस बस की जगह फोर पॉइंट फाइव पैसेंजर कार यूनिट्स रख दिए इसकी जगह थ्री पैसेंजर कार यूनिट्स इसकी जगह फोर पॉइंट फाइव पैसेंजर कार यूनिट और आगे वाले पे भी फोर पॉइंट फाइव ऐसा इसलिए किया है कि अगर मैं इतनी कारें भी इस पर्टिकुलर ट्रैफिक के अंदर लगा दूँगा तो भी जो इसका फ्लो है वो सेम बना रहेगा डेंसिटी सेम बनी रहेगी और जो स्पीड ऑफ व्हीकल है वो भी सेम बनी रहेगी यानी कि हम इतनी पीसीयू से उसको रिप्लेस करेंगे एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ व्हीकल को चाहे बस हो ट्रक हो ऑटो रिक्शा हो या टू व्हीलर हो कि जो उस पर्टिकुलर रोड के ऊपर फ्लो है वो क्या बना रहे सेम बना रहे यानी कि सिंपल वर्ड्स में ट्रैफिक करैक्टरिस्टिक जो है वो सेम बने रहने चाहिए यही मैंने समझाने की यहाँ पे कोशिश की रियल लाइफ मीनिंग क्या सपोज इन हेट्रोजीनियस मिक्स ऑफ ट्रैफिक पर्टिकुलर क्लास ऑफ व्हीकल अ पर्टिकुलर क्लास में एक जैसे कि टू व्हीलर हो गया थ्री व्हीलर हो गए या बसेस हो गए है ना अ व्हीकल इज रिप्लेस्ड विद एन नंबर ऑफ पैसेंजर कार्स अब वो एन पॉइंट फाइव भी हो सकता है वन भी हो सकता है थ्री भी हो सकता है फोर भी, भी हो सकता है कुछ भी वो एन की वैल्यू हो गई टू हैव सेम ट्रैफिक करेक्टर स्टेक यही तो बात है जो मैंने आपको पिक से समझा दी है कि भाई हम आगे देखो अभी इस पर्टिकुलर ट्रैफिक के अंदर पहले मैंने बसेस को रख दिया था ना रिप्लेस कर दिया वही सेम टू सेम वैल्यूज़ हैं उनको मैंने वापस नहीं लिखा कि बस आपको याद रहे कि हाँ पहले कर दिया वही सेम वैल्यूज यहाँ लिखी हुई हैं वही की वही यहाँ गई हैं और ये जो टू व्हीलर्स थे ना इन सबको हटा के मैंने पॉइंट थ्री से रिप्लेस कर दिया पॉइंट थ्री 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 आ गई बात समझ में तो भी इस पर्टिकुलर रोड पर ट्रैफिक के करेक्टरिस्टिक क्या बने रहेंगे सेम बने रहेंगे ये हो गया पैसेंजर कार यूनिट का यूज़ और उसका इफेक्ट अब बात करते हैं कि एक बार इस वाली लाइन को छोड़ दो क्योंकि ये सबसे एंड में लूँगा तब अच्छे समझ में आएगा उससे पहले एक बार ये देख लो कि हमारे हाईवे कैपेसिटी मैनुअल ने जो कि 2017 में रिलीज़ हुआ था काफ़ी लेटेस्ट हो गया तो इसमें इन्होंने क्या वैल्यूज़ दी हैं और देखो ये टेबल है टू पॉइंट फोर मैं आपको जो भी दिखाता हूँ ऑथेंटिकेटा दिखाता हूँ सारा की सारा स्क्रीन के ऊपर आप इसको जाके चेक भी कर सकते हो तो हम यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा है वेरियस व्हीकल्स टाइप की पैसेंजर कार वैल्यूज जैसे स्टैंडर्ड कार हमने क्या बोला था पैसेंजर कार को वन तो देखो सब जगह इसने वन लिया हुआ है अब सब जगह क्यों बोल रहा हूँ देखो इसने बोला पहले सिंगल लेन रोड बोला इंटरमीडिएट एंड टू लेन रोड इवन आई मल्टी लेन ले लेगा ले ना चाहे फोर लेन हो चाहे फाइव सिक्स लेन एट लेन कितना ही बना लो यार तुम तब में ये स्टैंडर्ड कार को वन ही लेने वाला है क्योंकि हम कार को पैसेंजर कार को लेते हैं वन यूनिट ठीक है अब बड़ी कार हो गई अब देखो रेंज इसने यहाँ पे रेंज दिया और मीडियम दे दिया मीडियम दिया है ना सिंगल लेन पे 1.6 है और यहाँ पे भी 1.6 है टू व्हीलर 0.25 टू यहाँ पे पॉइंट देख रहे हो कि सिंगल लेन के कंपैरिजन में इंटरमीडिएट और टू लेन में कुछ बदलाव आए सिमिलरली ऑटो रिक्शा 1.2 1.2 हो गया चलो बिग बस 4.5 4.5 देखो लाइट कमर्शियल व्हीकल जहाँ 2.7 था 3 हो गया 4.8 से 5 हो गया 5 टू 6 हो गया 7 को 7 मतलब कुछ चीज़ें वहीं की वहीं हैं और कुछ चीज़ें बदल गई हैं हाईवे कैपेसिटी मैनुअल में तो इससे मेरे को एक आइडिया लग रहा है कि टू लेन रोड पर सेम क्लास ऑफ व्हीकल ली चाहे बिग कार हो चाहे टू व्हीलर हो उनमें चेंजेस आ सकते हैं यहां तक कि तुम ये देख सकते हो कि ये बाइसिकल साइकिल रिक्शा और एनिमल ड्रॉन व्हीकल की बात कर रहे हैं सिंगल लेन में पॉइंट फोर था यहां पे पॉइंट फोर चलो इसका टू पॉइंट वन साइकिल रिक्शा का टू पॉइंट फाइव हो गया एनिमल ड्रॉन व्हीकल का टेन पॉइंट टू से इलेवन पॉइंट फाइव हो गया मैं बस ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि आप याद ना करें स्टेबल से बट समझें कि क्या हो रहा है क्योंकि मैं फॉर्मूले से समझा दूंगा तो आप ऑप्शन देख के टिक मार कर सकोगे एटलीस्ट ये याद कर लेना कि ट्रक का जो होता है ट्रक और बसेस का वो नियर अबाउट फोर फोर टू फोर पॉइंट फाइव होता है एटलीस्ट ये याद कर लो और एक मोटर व्हीकल का पॉइंट थ्री से पॉइंट फोर याद कर सकते हो आप तो कर लो बहुत अच्छा रहेगा <coughs> और बिग कार का वन पॉइंट सिक्स तो <coughs> इस तरीके के हम वैल्यूज़ यूज़ करेंगे अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी यार एक बात बताओ साइकिल तो छोटी होती है पैसेंजर कार बड़ी होती है तो क्यों साइकिल जो है वो ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए या थ्री व्हीलर है उनकी ज़्यादा कैसे हो गई उनकी साइज़ छोटी है उनका मनूवर ज़्यादा ईजी है रोड पे उनसे तो क्यों बढ़ जाना चाहिए देखो सबसे बड़ी समस्या कि ट्रैफिक जो है ना वो तीन चीज़ों पर चल रहा है हमारे लिए ट्रैफिक कैरेक्ट्रिस्टिक का मतलब है क्यू के वी अगर आप साइकिल को पकड़ते हो अगर आप सिर्फ मनूवर से देखोगे तो फेल कर जाओगे आप ये तो मान सकते हो कि साइकिल की जो स्पीड होगी पैसेंजर कार कंपैरिजन में धीरे होगी अगर स्लो होगी तो क्यू क्या हो गया कम हो गया यही काम थ्री व्हीलर्स पे भी अप्लाई होता है थ्री व्हीलर की जो स्पीड होती है ना कार के कंपैरिजन में वो कम होती है यार अब कम हो गई तो क्यू भी कम हो गया क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू वन पर्टिकुलर पॉइंट क्या हो गयी? कम होंगे तो क्यू कम हो जाएगा तो ये थ्री व्हीलर का ज़्यादा हो जाएगा अब आप सोच रहे हो ये तो तू बता दे रहा है पीयूष ये सब कुछ ठीक है पर क्यूं, क्यूं, क्यों 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 चीख रहा है तू बार बार क्यों बोले जा रहा है साइकिल के लिए बोल रहा है थ्री व्हीलर्स के लिए बोल रहा है अभी ये बसेस के लिए भी बोला क्यों ऐसा कर रहा है तू हमारे साथ देखो इसका कारण है ये क्योंकि पी का जो मैथमेटिकल फार्मूला हम यूज करते हैं यानी कि हम तो मैं गलत बोल रहा हैं ट्रैफिक इंजीनियर्स जो यूज करते हैं वो क्या है कैपेसिटी ऑफ रोडवेज विद पैसेंजर कार्स डिवाइडेड बाय कैपेसिटी विद पर्टिकुलर क्लास ऑफ व्हीकल मैंने तुम्हें एक बात बताई थी अभी स्टार्ट करते हैं सपोज करो रोड है इस पर सिर्फ ट्रक चल रहे हैं सिर्फ पैसेंजर कार चल रही है सिर्फ टू व्हीलर चल रहे हैं तो वो उनकी क्या कैपेसिटी होगी उनका रेशियो ले रहे हैं यहाँ पे आपको अगर ट्रक का निकालना है तो ट्रक का नीचे डाल दो और पैसेंजर कार का ऊपर डाल दो टू व्हीलर का निकालना है तो पैसेंजर कार को ऊपर टू व्हीलर्स का नीचे इस तरीके से रेशियो लेके निकल के आएगा पी सी यू अब आपके दिमाग में आना चाहिए कैपेसिटी क्या है भाई कैपेसिटी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया फ्लो ही है यानी कि नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आ रही हैं ओके क्योंकि हम एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ व्हीकल की बात कर रहे हैं तो वो उसी नंबर ऑफ़ व्हीकल में आप काउंट कर सकते हो तो ट्रैफ़िक कैपेसिटी का मतलब क्या है ऑल दो कई बार न्यूमेरिकल में डिस्कस कर चुका हूँ बट यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं जब भी मैं ट्रैफिक कैपेसिटी की बात करूँगा ट्रैफिक इंजीनियरिंग में इसका मतलब साफ साफ होगा कि हम बात कर रहे होंगे मैक्सिमम फ्लो की यानी कि क्यू मैक्स की यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ व्हीकल्स पर आर पर यूनिट लेन ठीक है अब आपने सीख लिया है कि पीसीयू की फॉर्म में लिखना है तो व्हीकल्स की जगह आपको कई बार वो पीसीयू लिख के भी दे सकता है पीसीयू पर आर पर यूनिट लेन अब आपको ये बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी तो अब आते हैं इस वाली बात पे जो मैंने बोला था सबसे एंड में समझाऊंगा <coughs> कि पी ये टेरेन पर डिपेंड कर रहा है क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है प्लेस टू प्लेस वेरी कर रहा है आखिर क्यों ऐसा क्यों सपोज करो ये जो ट्रैफिक है अभी लेवल रोड पर चल रहा है इसको बोल दो नहीं अब तुम हिली रोड पर चलो इन्हीं सबको उठा के ले जाओ और हिली रोड पर चढ़ा दो चलो अभी हिली रोड पर चढ़ेंगे स्पीड अलग हो गई स्पीड अलग हो गई तो क्यू अलग हो जाएगा क्यू अलग हो गया तो भाई आ जाओ क्यू का ही तो रेशियो है पीसीयू वही अलग हो गया तो इसका मतलब पैसेंजर कार यूनिट डिफरेंट टेरेन में डिफरेंट हो जाएगा फॉर द सेम क्लास ऑफ व्हीकल इनफैक्ट इन्हीं लोगों को आपको नेम प्लेट में डीएल डीएल दिख रहा होगा है ना इन्हीं लोगों को इन्हीं सबको उठा लो और बोल दो एक दिन रेनी सीजन है पानी भर गया रोड पर चलो अब तुम चल के दिखाओ अपने आप इनकी स्पीड बदल जाएगी डेंसिटी अलग हो जाएगी क्यू जो है वो अपने आप बदल जाएगा यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशन यानी कि वेदर से भी हमारा पी इफेक्ट हो सकता है ये है पी का बेसिक और फुल ऑन एक्सप्लेनेशन और आपसे कोई पूछता कि पी का रियल लाइफ मीनिंग क्या है तो आप एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ व्हीकल को हटाओगे उसकी जगह एन नंबर ऑफ पैसेंजर कार्स डाल दोगे कि उस पर्टिकुलर ट्रैफिक का क्यू के और स्पीड सेम बनी रहे तो गाइज ये था इन डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ पीसीयू। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां पे हम मूविंग कार ऑब्जर्वर मेथड की बात करेंगे तो बिफोर लिविंग आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब दिस चैनल शेयर विद योर फ्रेंड्स यार क्यों नहीं शेयर कर रहे हो यार करो हम लोग इतना इसको पब्लिकली शेयर नहीं करते हैं अभी हमारा फोकस ये है कि हम कंटेंट डेवलप करें अच्छा सा और बच्चों को डाल दें आप लोग शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और कोई क्वेरी हो यार कमेंट सेक्शन में डाला करो रिप्लाई ज़रूर मिलेगा साइनिंग ऑफ गॉड ब्लेस यू ऑल